देखो, लास्ट क्लास में बच्चों में यहाँ पर प्रत्यास्थता के बारे में आपको बता रहा था। प्रत्यास्थता को बताने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आज मैं आपको गुप का नियम बताता हूँ। उसके नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल विकृति के कारण समानुपाती पाती होता है, अर्थात मेरे पास क्या आ जाता है, प्रतिबल समानुपाती विकृति। तो प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं, समानुपाती होते हैं। समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदलने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, प्रति बल बराबर E इंटू विकृति। इस E को हम क्या बोल देते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक बोल देते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। E बराबर मेरे पास आ जाता है प्रति बल बटे विकृति। ठीक, तो ये मेरे पास यहां पर, इसको हम प्रत्यास्थता गुणांक बोल देते हैं। तो प्रत्यास्थता गुणांक मेरे पास तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, पहला हो जाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तीसरा है जड़ता गुणांक। तो ये तीन हमारे पास प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर पहले आपको समझा रहा हूं आयतन। पहला है मेरे पास यहां पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको मैं वाई से शो करता हूं। ठीक, इसके अकॉर्डिंग होता है कि प्रत्यास्थता की सीमा मैं अनु दैर्य प्रति बल और अनु दैर्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता
गुणांक y कहलाता अर्थात देखिए अगर मैं एक वायर ले लेता हूं, ये इस वायर की प्रारंभिक लंबाई l है, ठीक। इसका क्षेत्रफल मेरे पास a के मान के बराबर, a यानी पाई आर के मान के बराबर, इसके ऊपर बल F इक्वल टू W इक्वल टू, जैसे ही हमने एम जी लगाया तो इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया, स्मॉल एल के बराबर हो गया। तो अनुदैर्ध्य जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y को हम क्या लेके चल रहे हैं, यंग प्रति अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब देखिए कौन a, अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, y बराबर f यानी कितना आ जाएगा mg, ठीक। a यानी पाई आर स्क्वायर, l कैपिटल ऊपर चला गया एल नीचे आ गया, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि अनुदैर्ध्य विकृति का कोई भी यूनिट नहीं होता, इसलिए जो प्रतिबल है वही यूनिट क्या आ जाती है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की यूनिट हो जाती है, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रबर और स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है। देखिए यदि समान प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल के दो तार स्टील एवं रबर के हैं जिन पर प्रत्यास्थ समान बल एफ उनके समान क्षेत्रफल ए पर लगाने पर स्टील और रबर की लंबाई क्रमशः एल एस एवं एल आर बढ़ती है। देखिए हमने रबर
और स्टील दोनों के समान लंबाई के वायर एल ले लिया, जिनका क्षेत्रफल भी ए है और बल भी एल लग रहा है। अब अगर अपन यहाँ पर स्टील के लिए बात करें तो स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई एस कर दें, ये कितना आ जाएगा, एफ अपॉन ए ठीक एल। स्टील की लंबाई में वृद्धि एल और प्रारंभिक लंबाई एल एस है। इसको अगर अपन लिखें तो एफ एल अपॉन ए इंटू एल एस, ऐसे ही हमारे पास क्या आ गया, रबड़ के लिए अपन लेके चलें तो ये इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई आर लेके चलो, तो तब मैं समान क्षेत्रफल पर समान बल लगा रहे हैं, इसमें वृद्धि ये इतने के मान के बराबर हो रही है, तो ये एफ एल अपॉन ए इंटू एल आर के मान के बराबर। आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए, वाई एस अपॉन वाई आर ठीक। आप सॉल्व करिए, ये हो गया एफ एल अपॉन ए इंटू एल एस, ये कितना आ जाएगा, एफ एल अपॉन ए इंटू एल आर। एफ एफ कैंसिल, एल एल कैंसिल, ए कैंसिल, एल आर अपॉन एल एस। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं लंबाई रबर को और स्टील को खींचूं तो रबर की लंबाई में ज्यादा वृद्धि होती है, स्टील की लंबाई में अधिक होती है, इसलिए एल आर इज ग्रेटर देन एल एस, से क्या रिजल्ट निकलता है, ये ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा ठीक है। यानी स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबड़ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक से ज्यादा होता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है स्टील और रबड़ में कौन अधिक प्रत्यास्थ होता है, तो मेरे पास क्या आ जाता है, स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो रबड़ की तुलना में स्टील की प्रत्यास्थता कैसी होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इसका प्रत्यास्थता गुणांक कैसा आ जाता है, ज्यादा आ जाता है ठीक है। क्लियर, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। देखिए दूसरा है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसको के से शो करूं तो यह आ जाता है मेरे पास आयतन प्रति बल बटे आयतन विकृति। थर्ड मेरे पास आ जाता है, यहां पर जड़ता गुणांक, इसको मैं ईटा से शो करता हूं ठीक, यह जाता है स्पर्श रेखी प्रति बल बटे अपरूपण विकृति ठीक। ये तीन हमारे पास जड़ता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और यंग प्रत्यास्थता गुणांक यहाँ पर आते हैं ठीक है, इनको अच्छे से आप नोट कर लीजिए।